Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will again continue with the fifth chapter in geometry book, When People Rebel, 1857 and after. आज जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ द कंपनी कंपनी मीन्स द ब्रिटिशर्स फाइट बैक इस आंदोलन को, इस जो रिबेल था इसको खत्म करने के लिए कंपनी ने किस तरीके के स्टेप्स उठाए और किस तरीके से ये जो रिबेल था 1857 का इसको एक फेलियर बनाया. ठीक है, ये स्टार्टेड द कंपनी फाइट्स बैक. Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcements from England, passed new laws of so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the strong centers of the revolt. देखो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इन सब चीज़ों को देखा, जब उनको पता लगा कि हाँ ये जो है काफ़ी लार्ज स्केल पे फैलता जा रहा है ये जो रिवोल्ट है, तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट, यानी कि अपनी पूरी ताकत से उन्होंने डिसाइड करा कि अब हमें इस आंदोलन को जो है ख़त्म करना पड़ेगा, विद ऑल माइट मतलब अपनी पूरी ताकत से. ठीक है, फिर क्या हुआ, इट ब्रॉट री इन्फोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, पासेस न्यू लॉज सो दैट द रिबेल कुड कन्विक्टेड विद ईज, मतलब उन्होंने ऐसे नए नए कानून बनाने शुरू कर दिए ताकि जो ये आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, इनको आसानी से कन्विक्ट किया जा सके. कन्विक्ट मतलब उनको आसानी से सजा दी जा सके, मतलब उन्होंने ऐसे कानून बना दिए जिसके तहत इन क्रांतिकारियों को या जिन जिन लोगों ने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया उनको गिरफ्तार किया जा सके और फिर आसानी से उनको कन्विक्ट यानी कि उनको मुजरिम ठहराया जा सके और फिर आसानी से उनको सजा दी जा सके. उन्होंने ऐसे ऐसे नए लॉज लाने इंडिया में शुरू कर दिए. ठीक है, एंड मूव्ड इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट मतलब उस आंदोलन को उन्होंने पूरी तरीके से खत्म करने की सारी तैयारी फिर कर ली. ठीक है, यस. दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेस इन सितंबर 1857. क्या था, देखो दिल्ली में जो है सिपाहियों का कंट्रोल होने लगा था. ठीक है, विरोध कर चुके थे जितनी भी बटालियंस थी वहाँ पे. फिर क्या हुआ, दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया. मतलब किसने करा रिकैप्चर, रिकैप्चर मतलब दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया. किसने, ब्रिटिशर्स ने. ठीक है, कब ले लिया, 1857. अब देखो क्या था, बहादुर शाह जफर को सिपाहियों ने चुना था कि हमारा अगला रूलर जो है वो कौन बनेगा. ठीक है, ये डिसाइड हो गया था, सभी लोग चाहते थे कि बहादुर शाह जफर जो है वो इंडिया के नेक्स्ट रूलर बनेंगे ब्रिटिशर्स को हटा के. ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब दिल्ली को ब्रिटिशर्स वापस से रिकैप्चर कर लेते हैं उसके बाद बहादुर शाह जफर को क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं. ट्राइड इन कोर्ट मतलब कोर्ट में उनके ऊपर केस चलाया जाता है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है, आजीवन कारावास की सजा दे के उनको जेल में डाल दिया जाता है. ये सब क्या थी, ये टैक्टिक्स थी ब्रिटिशर्स की कि कोर्ट में हम केस चलाएंगे और ये बात हो जाएगी कि जज ने फैसला दिया है कि इन्होंने जो भी गलत किया है, कि हमारे खिलाफ जो भी इन्होंने सैनिकों को भड़काया है, सिपाहियों को भड़काया, उसके बदले में इनको जो है कोर्ट ने सजा दी है, हमने कुछ नहीं किया. ठीक है, तो ये सब चीज़ें करके उन्होंने क्या करा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई. मतलब जिसको राजा बनाना चाहते थे वही जब लाइफ टाइम के लिए जेल में चला गया तो उनको पता था अब लोग क्या करेंगे, उनके पास तो कोई राजा ही नहीं बचा. ठीक है, जिसको वो रूलर बनाना चाहते थे उसी को जो है पूरे लाइफ के लिए जेल में डाल देंगे, तो इसका मतलब है लीडर ही नहीं बचा, लीडर ही नहीं बचा तो बाकियों को जो है तोड़ना आसान रहेगा. ठीक है, तो ये सारी जो है उन्होंने टेक्टिक्स अपनाए. यस, He and his wife Begum Jinnat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. तो देखो बहादुर शाह जफर और जो उनकी वाइफ थी बेगम जीनत महल, इनको जो है जेल में कहाँ पे डाल दिया गया, रंगून में, इन अक्टूबर 1858 में. ठीक है, एक साल के जो है 57 में स्टार्ट हुआ था क्रांति, अगस्त 57 में, सितंबर में ब्रिटिशर्स ने जो है इनको सप्रेस करना शुरू करा, मतलब स्टेप्स लेने शुरू करे उन्होंने, और एक साल के अंदर अंदर बहादुर शाह जफर और उसकी वाइफ दोनों को जेल में डाल दिया. ठीक है, बहादुर शाह जफर डेड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862. ठीक है, फाइनली 1862 में बहादुर शाह जफर की जेल में ही मृत्यु हो जाती है. ठीक है, द रिकैप्चर्ड ऑफ दिल्ली हाउ However, did not mean that the
रिलीबियन रिबेलियन रिबेलियन डेड डाउन आफ्टर दैट पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश अब देखो क्या था दिल्ली को रिकैप्चर करने का मतलब ये नहीं था कि अगर ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को वापस से हासिल कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं था कि जो रिबेलियन है डाइड डाउन मतलब कि क्रांति जो है वो खत्म हो गई है मर गई है ऐसा नहीं था लोग जो है लगातार कंटिन्यू टू रेसिस्ट द एंड बैटल द ब्रिटिश मतलब रेसिस्ट मतलब काफी बार हमने ये वर्ड पढ़ा है क्या होता है रेसिस्ट विरोध विरोध करना ठीक है तो क्या था ऐसा नहीं था कि दिल्ली को अगर ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया था तो लोग हार मान चुके थे लोग लगातार जो है विरोध भी कर रहे थे और बैटल भी कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ठीक है यस द ब्रिटिशर्स हैड टू फाइट फॉर टू इयर्स टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पीपल रिबेलियन पॉपुलर रिबेलियन देखो 1857 सबसे पॉपुलर रिबेलियन था है ना सबसे फेमस जो है आप लोग भी जब से हिस्ट्री पढ़ रहे हो आपने सुना होगा 1857 की क्रांति क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था मतलब पहले क्या होता था छोटे छोटे स्तर पे लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें पूरा देश ही जो है अंग्रेजों के विरोध जो है लड़ने के लिए तैयार हो गया था तो अंग्रेजों को भी क्या बता रहे हैं यहाँ पे 2 साल लग गए थे इस आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म करने में पूरी तरीके से सप्रेस करने में ठीक है 2 साल उनको पूरे लगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और लोग जो है इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहते थे क्योंकि एक बार लोगों ने ठान लिया था कि हमें ब्रिटिशर्स को जो है इंडिया से बाहर करना ही करना है तो बेशक से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया लेकिन फिर भी लोग लगातार विरोध कर रहे थे और ब्रिटिशर्स को जो है 2 साल तक जो है कंटिन्यूसली इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ी थी ठीक है लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858 रानी लक्ष्मी बाई वॉज डिफेंडेड एंड किल्ड इन जून 1858 देखो अब आगे की स्टोरीज हमने देखा था लक्ष्मी बाई भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी ठीक है तो लखनऊ को दोबारा से जो है रिकैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स और रानी लक्ष्मी बाई भी हार जाती है इनसे लड़ाई में और मारी जाती है जून 1858 में ठीक है सिमिलर फैक्ट अवेटेड रानी अवंती बाई हू आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खैरी चूज टू एम्ब्रेस डेथ बैंक्स सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड्स अब देखो एक और रानी की हमने स्टोरी पढ़ी थी ना क्या नाम था इनका रानी अवंती बाई सेम तो चीज़ थी सेम फेट मतलब सेम जो भाग्य था वो अवंती बाई का भी इंतजार कर रहा था जो रानी लक्ष्मी बाई के साथ हुआ तो फाइनली क्या होता है अवंती बाई चूज करती है मरना जब उनको वो देखती है कि चारों तरफ से उनको ब्रिटिशर्स ने घेर लिया तो वो खुद को मारना ज़्यादा पसंद करती है मतलब फाइनली क्या होता है वो शुरू में तो जीतती है अवंती बाई ठीक है लेकिन लास्ट में क्या होता है जब वो देखती है कि चारों तरफ से उनको ब्रिटिशर्स ने घेर लिया तो वो मरना ज़्यादा बेटर समझती है ठीक है तो रानी लक्ष्मी बाई भी इनकी भी डेथ हो जाती है अवंती बाई की भी डेथ हो जाती है मतलब धीरे धीरे क्या होता है हम देख रहे हैं कि जैसे पहले सब लोग इनिशियली क्या था इंडियंस जीत रहे थे ठीक है जो भी खड़ा हो रहा था इनके खिलाफ चाहे वो नाना साहेब है इनिशियली वो भी जीत रहे थे रानी लक्ष्मी बाई के साथ ठीक है अवंती बाई भी जीत रही थी सैनिक भी बहुत आगे तक पहुंच गए थे पूरा जो है हमने देखा था ना रेड फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया था लेकिन अब क्या हो रहा था धीरे धीरे सब लोग हारते जा रहे थे तांतिया टॉप एस्केप्ड टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यूड टू फाइट अ गोरिल्ला वार विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स अब देखो जो ये तांत्या टोपे थे ये क्या करते हैं ये जंगल में भाग जाते हैं लेकिन जंगल में भाग जाने के बाद भी वो लगातार जंगलों में तो कौन रहते हैं आदिवासी लोग रहते हैं ठीक है तो आदिवासी लोग और जो पीजेंट लीडर्स पीजेंट मतलब किसानों के जो लीडर्स थे वो क्या करते हैं उनकी हेल्प से तांत्या टोपे जो है लगातार गोरिल्ला वार जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे ठीक है यस He was captured, tried and killed in April 1859. अच्छा ठीक है अब क्या होता है तांत्या टोपे को भी क्या कर लेते हैं कैप्चर कर लेते हैं ट्राइड मतलब अभी पढ़ा था हमने ट्राइड का मतलब कोशिश यहाँ पे ट्राइड का मतलब कुछ और है अभी तो बताया था जब हमने बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ा था बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट पढ़ा था ना ट्राइड मतलब जब हम बोलते हैं ना यहाँ पे लिखा है देखो ही वॉज कैप्चर्ड ट्राइड एंड किल्ड कैप्चर्ड मतलब उनको पकड़ा गया ट्राइड मतलब उन पे केस चलाया गया ट्राइड इन कोर्ट ऊपर लिखी थी लाइन
बहादुर शाह के साथ ही थे ना, he was captured and tried in court. तो यहाँ पे भी tried का यही मतलब है, tried मतलब उनको कोर्ट में केस चला उनके ऊपर, ठीक है. tried का मतलब क्या है यहाँ पे, केस चलना, कोर्ट में उनके ऊपर केस चलाया गया, उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर केस चलाया गया और उनको जो है किल कर दिया गया अप्रैल 1859 में. अब ये देख टाइम देखो आप, 1857 से स्टार्ट होकर 1859 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है. दो साल लगे थे ना उनको ब्रिटिशर्स को, फाइनली पूरी तरीके से मेन मेन लीडर्स को उन्होंने ख़त्म करा, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये पूरा आंदोलन जो है उन्होंने सप्रेस किया. यस, जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड इन अर्लियर एनकरेज्ड रेबेलियन, द डिफीट ऑफ रैपर फोर्सेस एनकरेज्ड डेजर्टियंस द ब्रिटिश. अब देखो क्या था, शुरू में हमने पढ़ा था कि जब इनिशियली सैनिकों को जो है सफलता मिलने लगी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो क्या था उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया था, है ना. उनका कॉन्फिडेंस अचानक से बढ़ जाता है जब सैनिक देखते हैं कि हमने तो लाल किले को भी जो है कैप्चर कर लिया, हमने ब्रिटिशर्स को उन्होंने मार भी दिया था जेलों में भी उसके, है ना. तो उससे क्या था, उनका मनोबल बढ़ गया था और वो लगातार जो है आगे बढ़ते जा रहे थे. अब रिवर्स हो गई स्टोरी, अब क्या हुआ, जिस तरीके से पहले जो है ब्रिटिशर्स हारते जा रहे थे, अब जो है इंडियंस हारते जा रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स अब खुश हो रहे थे कि उनको जो शुरुआती सफलता मिली कि दो साल लग गए हमको जो है इंडियंस को हराने में, तो धीरे धीरे जब वो ऐसे लोगों को मारना शुरू करते हैं, पकड़ते हैं उनको बड़े बड़े लीडर्स को, तो ये लोग भी क्या होता है, इनको भी लगता है कि हाँ अब हम फाइनली इस आंदोलन को जो है ख़त्म कर सकते हैं. इनको भी सेम वही फीलिंग होती है कि हाँ अब हम जीतने लगे हैं और अब हमें आसानी से इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे. द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल. लॉयल्टी ऑफ द पीपल मतलब, लॉयल्टी मतलब लोगों की वफादारी वापस से हासिल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि लोग जैसे पहले उनके साथ वफादार थे ना, कुछ राजा कुछ नवाब, ठीक है, जो उनकी हेल्प करते थे, ठीक है. तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से दोबारा से पूरी कोशिश करी कि लोग उनके साथ दोबारा से लॉयल यानी कि वफादार हो जाए, ठीक है. The announcement reward for loyal landowners would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. अब देखो पहले जो लोगों के लैंड यानी कि जमीन होती थी उन पे उनके पास उनके जब अपनी जमीन के राइट्स होते थे, ठीक है. बाद में क्या करा ब्रिटिशर्स ने, धीरे धीरे लैंड के से रिलेटेड लॉज नए नए लेके आए, जिससे जो है लोगों के जो ऑनर होते थे जमीन के उनके राइट्स कम हो गए थे. तो अभी इन्होंने लोगों को लालच क्या देना शुरू करा कि जो हमारे साथ लोग वफादार रहेंगे, जो लैंड ऑनर्स हमारे साथ वफादार रहेंगे, वो अपने लैंड पे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वो पहले से कर रहे थे यानी कि जो अधिकार उनको पहले मिले हुए थे वही आपको दोबारा से दिए जाएंगे. एक तरीके से उनको लालच दिया ना कि आप हमारे साथ वफादार रहोगे तो आपकी जमीन आपकी रहेगी, आप जो राइट्स हैं आपकी जमीन को लेके वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. मतलब क्या है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग अभी तक भी अंग्रेजों के विरोध में खड़े थे, उनको क्या कहा गया कि अगर आप हमारे मतलब आत्मसमर्पण कर देते हो, ठीक है, आ जाते हो हमारे सामने, या फिर आप किसी भी अंग्रेज को वाइट को मतलब यहाँ लिखा है ना कि किसी भी वाइट को अगर आप मारते नहीं हो, वाइट मतलब अंग्रेज, अगर आप किसी अंग्रेज की हत्या नहीं करते हो तो क्या होगा, आप जो है सेफ रहोगे और आपको भी वही आपके लैंड के राइट्स जो है आपको दे दिए जाएंगे. मतलब कि उन्होंने क्या करा, एक तरीके से सरेंडर करने के लिए बोला कि जो लोग विरोध कर रहे हैं आप लोग आके हमारे पास सरेंडर कर दो, हम आपको भी सेफ राइट्स दे देंगे और आपको भी सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है. Nevertheless, hundreds of supposed rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों जो सिपाही थे वो लगातार विरोध करते रहे, रिबेल करते रहे, क्रांति करते रहे और काफी सारे जो नवाब थे और राजा थे उनको जो है ट्राइड किया गया, मतलब ठीक है, काफी सारे जो राजा थे जो नहीं मान रहे थे, क्रांति करते ही जा रहे थे, नवाब थे राजा थे सिपाही थे, उनके ऊपर केस चलाया गया और काफी सारों को हैंग भी किया गया, मतलब फांसी पे लटकाया गया, ठीक है. Aftermath, the British had regained control of the country by the end 1859. 1859 के end, यानी कि 1859 के खत्म होते होते ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे दोबारा से
रीगेन कर लिया था, यानी कि दोबारा से पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनीमोर। लेकिन अब क्या था, अब स्टोरी बदल गई थी। अब उन्होंने देख लिया ना कि लोगों को तो विरोध करना भी आता है, इंडिया के लोग तो मतलब इस तरीके से विरोध में उठ खड़े होते हैं कि उनको 2-3 साल लग गए इस विरोध को खत्म करने में। तो अब क्या था, ब्रिटिशर्स ने दोबारा से पूरे इंडिया को कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन अब वो जो पॉलिसीज पहले अपना रहे थे उनको ये समझ में आ गया था कि उन्हीं पॉलिसीज को अपना के, उन्हीं नीतियों को अपना के हम दोबारा से इंडिया को जो है इंडिया के ऊपर शासन नहीं कर सकते। अब हमें अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले कर रहे थे वो तो फेल हो गई ना, क्योंकि लोगों ने विरोध करा, आंदोलन करा, जिसको दबाने में उनको 2 साल लग गए, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम जो पहले जिस तरीके से इंडिया को रूल कर रहे थे, अब हमें अपनी स्ट्रेटेजीज में, अपनी पॉलिसीज में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। गिवन लो आर द इंपॉर्टेंट चेंज द दैट वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। अब क्या है, कौन कौन से चेंजेस उन्होंने अपने पॉलिसीज में करे, वो सारे यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको डिटेल दी गई है, हम जो है पॉइंट वाइज इनको पढ़ते हैं। यस, फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू Ensure a more responsible management of Indian affairs. देखो क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, देखो क्या था, कंट्रोल तो ब्रिटिश करता था, ब्रिटेन करता था ना, वहाँ से ऑर्डर्स आते थे, यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट कराया जाता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा, एक नया एक्ट 1858 में पास करा, ठीक है, एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू एंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर। देखो इंडिया में क्या आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, बिजनेस करने के नाम से आई थी। तो अब क्या था, उनको ये तो पता चल ही गया था कि अब तो हमें पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना है, राज करना है, शासन करना है। तो क्या करा, जब ये क्रांति हुई तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया को जो है शासन नहीं कर सकती। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया ब्रिटेन की जो है पार्लियामेंट में, और उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे राइट्स जो है वहाँ के क्राउन, क्राउन मतलब वहाँ की महारानी को दे दिए कि अब महारानी के डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। A member of the British cabinet was appointed secretary of state of for India. एक जो member थे British cabinet के, उनको क्या appoint किया गया, India का secretary of state. And made responsible for all matters related to the governance of India. He was वो देखो जो person थे जिनको क्या secretary of क्या appoint किया गया, जिनको secretary of स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया, और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिया के जितने भी काम काज होंगे, ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया को चलाने के लिए, इंडिया का जो शासन है उसको चलाने के लिए जो भी काम काज होंगे उसके लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे। ही वॉज गिवन अ काउंसिल ऑफ काउंसिल एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडिया काउंसिल। द इंडिया काउंसिल क्या थी, ये क्वेश्चन है आपका, इंडिया काउंसिल क्या थी, देखो इंडिया काउंसिल क्या थी, ही वॉज गिवन अ काउंसिल। अब जो पर्सन था, कौन पर्सन, क्या पोस्ट है इसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको अपॉइंट करा, उसको सलाह देने के लिए एक क्या क्या बनाया, एक काउंसिल बनाई, ठीक है। उस काउंसिल का नाम क्या था, इंडिया काउंसिल, याद रहेगा, याद रहेगा। उन्होंने सारा पैटर्न चेंज करा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी के कंट्रोल में कर दिया, क्राउन के कंट्रोल में कर दिया, इंडिया की गवर्नेंस को चलाने के लिए एक अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को अपॉइंट करा, और उस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को जो है सलाह देने के लिए एक काउंसिल का गठन करा, उस काउंसिल का नाम था इंडिया काउंसिल। इज दैट क्लियर, यस। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस वायसराय। अब देखो क्या था, पहले गवर्नर जनरल आ रहे थे, अब उनका टाइटल जो है बदल के क्या कर दिया गया, वाइसराय का, ठीक है, हाँ। दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, ठीक है। इसका मतलब, वाइसराय का मतलब क्या होता है कि ये वो पर्सन है जो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि क्राउन के बिहाफ पे, रानी के बिहाफ पे जो है इंडिया को, इंडिया में आकर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो जो भी काम करेगा, वो जो भी कहेगा, वो क्राउन ने उसको कहने के लिए कहे, यानी कि वहाँ की रानी ने उसको कहने करने के लिए दिए हैं, ठीक है, यस।
Through this measure, the British government accepted directly responsibility for ruling India. हाँ, तो through these measures मतलब इन सारे तरीकों की मदद से ब्रिटिशर्स ने क्या करा? ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब इंडिया को जो है हम ही रूल करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने इस चीज़ की घोषणा करी कि अब डायरेक्ट जो है ब्रिटेन से इंडिया को गवर्न किया जाएगा, इंडिया में रूल किया जाएगा. ठीक है,